हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही अनजान जगह से, बट ये जगह बहुत ही फेमस है। ये देख लो भाई, मेरे पीछे में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का एक भवन इधर है, एक इधर है, और इधर तो भाई बहुत सारे। अभी मैं आया हुआ हूँ नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, न्यू वाले भाई। 300 करोड़ की लागत से ना एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है, जिसका एक एग्जांपल आपको सिर्फ सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे यहाँ पे 8-10 बिल्डिंगें हैं, मैं भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, ब्लॉग में अंत तक बने रहना। अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ अपनी पूरी टीम के साथ में। एक्चुअली यूनिवर्सिटी तो बनकर तैयार हो गया है, बट इसका ओपनिंग हुआ है नहीं, और ओपनिंग नहीं हुआ है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं ओपनिंग करने विरोध में। टाइटल थंबनेल में आपने देखा था कि इस यूनिवर्सिटी का ओपनिंग हो गया, बट वो हमने किया है, एबीवीपी ने विरोध में किया है। अभी चलते हैं उधर में, और टीम आई हुई है। फिलहाल मैं आप लोगों को बिल्डिंग दिखा देता हूँ। तो कड़ाके धूप के 12:15 हो रहे हैं, और यहाँ पे देख लो एक भवन ही है, नाम पढ़ लो आप, कौटिल्य प्रशासनिक भवन नंबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू। इस बिल्डिंग को ना केवल ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया है। एंड इधर में पीछे देख लो आप ज़्यादा नहीं, आप बस इमारत की साइज़ देखो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हालांकि इधर तो भाई ये पेड़ से कवर हो गया, बट उधर चलता हूँ रोड में, उधर चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कसम से भाई, अगर ये वाली यूनिवर्सिटी अगर स्टार्ट हो जाती है ना जितना लागत से बना है, तो भाई पलामू और आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट में ना पढ़ाई की समस्या 90% तो ख़त्म हो जाएगी, कन्फर्म 90% ख़त्म हो जाएगी। तो ये देख लो गाइज, एक भवन आपका इधर में भी, और यहाँ पे देख लो ये जो बिल्डिंगें बन रही है आपकी, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, और एक जस्ट देख लो मेरी उंगली के सामने, पेड़ों से कवर है, बट यू कैन सी इट प्रॉपरली। 300 करोड़, और ये सरकार के नहीं स्टूडेंट्स का पैसा था। बन के ऑलमोस्ट रेडी है, बट फिर भी ओपनिंग नहीं हो रही है। हमने ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दे दी थी कि आप जल्द से जल्द अपना जो है यूनिवर्सिटी का ओपनिंग कर लो, अदरवाइज हम खुद कर देंगे। सो आज हम खुद करने हैं। 3-4 दिन पहले हमने पेपर में आर्टिकल भी डाला था कि हम खुद ओपनिंग करने वाले हैं, और आज हम करने वाले हैं। सो गाइज, जस्ट अभी घर पे पहुंचा हूँ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके। एक्चुअली मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये कोई रियल वाला उद्घाटन नहीं है, ये भाई विरोध वाला उद्घाटन है। तो हमारा यूनिवर्सिटी है ना, वो बन के हो चुका है तैयार, और स्टूडेंट को भाई पढ़ने में हो रही है दिक्कत, क्लासेस की कमी है, ऑडिटोरियम्स की कमी है, नए वाले बिल्डिंग में सब चीज है, बट फिर भी हमारा जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग भाई ओपनिंग कर ही नहीं रहे हैं। लगभग 1 साल हो गए यूनिवर्सिटी को बनकर रेडी हुए, इसमें अच्छा खासा क्लास चल सकता है। भाई यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो ना, वो टीचर और प्रिंसिपल के बाप का नहीं होता है, वो होता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स मतलब हम, तो भाई हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उद्घाटन हुआ ही है, न्यूज में आएंगी, पेपर्स में आएगा, हर जगह जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, तो शायद उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो जाए अच्छे से। भाई हमने पूरा विधिवत मंत्र पढ़ के, शंख बजा के, भगवान का नाम लेके, रिबन काट के, तक के लड्डू बांट के भी हमने अपने यूनिवर्सिटी का ओपनिंग किया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन करे या ना करे, अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म बची होगी तो वो खुद करेंगे, अदरवाइज उनकी मर्जी, वो करे या ना करे। हमने तो अपना विरोध दर्ज कर दिया, अपने यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया। 1:14 हो चुके हैं, अब चलता हूँ वीडियो की एडिटिंग करने, उसके बाद आप लोगों तक तो पहुंचा भी दूंगा। सो होप करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपके हिसाब से हमने सही किया या नहीं वो भी बता देना उद्घाटन करके। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।